फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है स्ट्रॉन्ग ड्यूअलिटी थ्योरम। फ्रेंड्स, स्ट्रॉन्ग ड्यूअलिटी थ्योरम क्या है? लेट एक्स बार एंड एक्स बार बी एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑफ द प्राइमल प्रॉब्लम पी, देन देयर एग्जिस्ट ओमेगा बार विच इज ड्यूअल ऑप्टिमल, एंड साथ में जो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे होगा सी ट्रांसपोज एक्स बार इक्वल टू बी ट्रांसपोज ओमेगा बार, ये होगा। इसको हम प्रूफ करते हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, अब पहले एक हमें प्राइमल प्रॉब्लम लेनी है, तो विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी वी कैन टेक द प्राइमल एंड ड्यूअल प्रॉब्लम। फ्रेंड्स, कोई भी हम प्राइमल प्रॉब्लम ले सकते हैं और उसकी हम ड्यूअलिटी ले लेंगे। यहाँ पे हम जो ले रहे हैं वो हम ले रहे हैं मैक्सिमम जेड इक्वल टू सी ट्रांसपोज एक्स सच दैट सब्जेक्ट टू कंडीशंस हैं हमारे पास वो है ए एक्स इक्वल टू बी। ये हमारे पास ये ले लिया हमने प्राइमल प्रॉब्लम ले लिया। अब इसकी हम जो ड्यूअलिटी होगी वो फ्रेंड्स ये होगी हमारे पास मिनिमम ओमेगा डी इक्वल टू बी ट्रांसपोज ओमेगा सब्जेक्ट टू ए ट्रांसपोज ओमेगा ग्रेटर देन इक्वल टू सी एंड ओमेगा आई आर अनरजिस्टिकेटेड। फ्रेंड्स, ओमेगा आई अनरजिस्टिकेटेड है क्योंकि आई बराबर वन टू एन, यहाँ पे हमने सभी इक्वेशंस लिए हैं, तो ओमेगा आई जो होगा उनका कोई साइन डिफाइन नहीं होगा। साइन कुछ भी हो सकता है, उसका प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, ये कोई फिक्स नहीं है साइन इसका। तो अब हम सॉल्व करते हैं। लेट एक्स बार बी एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑफ पी, इस प्राइमल प्रॉब्लम को पी प्रॉब्लम दे देते हैं और इसको हम डी प्रॉब्लम दे देते हैं। ये डी प्रॉब्लम पी प्रॉब्लम है, ये डी प्रॉब्लम है। लेट एक्स बार बी एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑफ पी, देन जब एक्स बार अगर प्राइमल प्रॉब्लम है तो उस कंडीशन में हम जो सिंप्लेक्स मेथड में हम पढ़ रहे थे वहाँ पे सभी के लिए जेड जे माइनस सी जे ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है वहाँ पे फॉर ऑल जे। तो फिर जेड जे बराबर क्या होता है वहाँ पे सी बी ट्रांसपोज बी इनवर्स ए जे माइनस सी जे। फिर जहाँ पे जेड जे बराबर क्या लिखते थे हम सी बी एक्स बी, उसको हम सी बी एक्स बी एक्स बी को क्या लिख सकते थे यहाँ पे सी बी एक्स बी लिखते थे। तो ये हो गया सी बी नहीं, फिर सी बी ट्रांसपोज एक्स बी लिखते थे हम, तो ये हो गया सी बी, और एक्स बी को क्या लिख सकते थे हम, एक्स बी को लिख सकते थे बी इनवर्स ए जे। जो बी इनवर्स होता था वो बेसिस होता था हमारे पास, जो भी बेसिस होता था और उसका ए जे से मल्टीप्लाई होके, ये हो गया हमारे पास माइनस सी जे ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ये हमारे पास ये हो गया सी बी ट्रांसपोज बी इनवर्स ए जे माइनस सी जे ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो फॉर ऑल जे। नाउ टेक सी बी ट्रांसपोज बी इनवर्स बराबर ओमेगा बार ट्रांसपोज ले लेते हैं हम। यहाँ पे हमने सी बार बी ट्रांसपोज ओमेगा इनवर्स इक्वल टू हमने ये ले लिया, तो ये हो गया ओमेगा बार ट्रांसपोज ए जे माइनस सी जे ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ये हो गया फ्रेंड्स। तो इसको हम लिख सकते हैं ओमेगा बार ट्रांसपोज ए जे ग्रेटर देन इक्वल टू सी जे फॉर ऑल जे, या इसको लिख सकते हैं ओमेगा बार ट्रांसपोज ए जे क्या है, ए जे 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 बराबर फॉर ऑल जे है, तो यहाँ पे ए से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जो मैट्रिक्स है ये होगा ग्रेटर देन इक्वल टू सी जे, या फ्रेंड्स ये हो गया हमारे पास, इसका हमने ट्रांसपोज ले लिया। अब हमने इसका ट्रांसपोज ले लिया तो ये हो जाएगा ए ट्रांसपोज ओमेगा ओमेगा बार ग्रेटर देन इक्वल टू सी जे ट्रांसपोज। फ्रेंड्स, हमने निकाल लिया कि अगर जो प्राइमल प्रॉब्लम है उसके लिए कंडीशन सेटिस्फाई है, तो प्राइमल प्रॉब्लम पी के लिए हमारे पास एक्स बार ऑप्टिमल सॉल्यूशन है, तो ओमेगा बार भी इसके लिए ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा। सो ओमेगा बार इज अ फेजिबल पॉइंट
ऑफ द प्रॉब्लम डी। फ्रेंड्स प्रॉब्लम डी का जो जो ए ट्रांसपोज ओमेगा बार, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं सभी को। इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो ये हमारे पास इसका ये हो गया कि जो ओमेगा बार है ये इसका एक फिजिकल पॉइंट होगा। अब हमें शो करना है कि फॉर ऑप्टिमलिटी, अगर ये ऑप्टिमल होगा कि इसके लिए ये शो करना काफ़ी होगा कि सी ट्रांसपोज एक्स बार इक्वल टू बी ट्रांसपोज ओमेगा बार। अब फ्रेंड्स ये शो करना है हमें सी ट्रांसपोज एक्स बार इक्वल टू बी ट्रांसपोज ओमेगा बार प्रूव करना है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, सी ट्रांसपोज एक्स बार बराबर क्या होता है फ्रेंड्स, ये होता है हमारे पास सी ट्रांसपोज बी एक्स बी इक्वल टू सी बी एक्स बी को क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स, ये तो सी बी ट्रांसपोज रहेगा, एक्स बी को क्या लिख सकते हैं हम बी इनवर्स बी, इसको लिख सकते हैं हम सी बी ट्रांसपोज बी इनवर्स एंड इसको लिख सकते हैं बी। अब फ्रेंड्स ये क्या हमारे पास ओमेगा बार टी बी, ये हो गया ओमेगा बार टी। अब फ्रेंड्स ओमेगा बार टी क्या होता है, ये हमारे पास वन क्रॉस एन का होता है, सॉरी वन क्रॉस ऑन एम, और ये होता है एम क्रॉस वन, तो ये स्केलर हो गया है। वन क्रॉस वन का जो स्केलर का जो स्केलर का जो फ्रेंड्स स्केलर का जो ट्रांसपोज होता है, अब अगर इसका ट्रांसपोज लें तो ओमेगा बार ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज भी हमारे पास बी ट्रांसपोज ओमेगा बार, तो ये हो गया बी ट्रांसपोज ओमेगा बार, क्योंकि ये स्केलर है फ्रेंड्स, ये हमारे पास ये कंडीशन है स्केलर है, और जो बी ट्रांसपोज ओमेगा बार आ गया, हमने सी ट्रांसपोज एक्स बार लेके चले थे और बी ट्रांसपोज ओमेगा बार हो गया, जो कि हमें प्रूव करना था सी ट्रांसपोज एक्स बार इक्वल टू बी ट्रांसपोज ओमेगा बार। फ्रेंड्स ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन हो गया, हैंस प्रूव्ड। Hence proved. Thank you, friends.